शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका स्पिरिचुअल हिमालयन यूट्यूब चैनल में और मैं आपका दोस्त अनुज पराशर। तो आज हम आए हैं आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा पे। अपनी दिल्ली से बुलेट राइड शुरू करी हमने 2 दिन पहले और दोस्तों बहुत ही शानदार रहा धारचूला तक का सफ़र। तो हमने जो रूट लिया वो दिल्ली से सीधा हमने रूट लिया गंगा जी गढ़गंगा होते हुए सीधा नैनीताल अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से हम लोग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर यानी कि 580-590 किलोमीटर का सफ़र रहा क्योंकि हमने 2 दिन में पूरा किया और जागेश्वर धाम के हमने दर्शन किए, बहुत ही सुंदर दर्शन किए। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ये यात्रा किस तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी धारचूला में आकर के आपको, क्योंकि इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट लेने के लिए आपको देखिए सबसे पहले आपके पास आधार होना चाहिए, 3 आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट या तो अपने आप लोकल पुलिस स्टेशन से बनवा के लेके आ जाएँ या नहीं भी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी बन सकता है, आप एफिडेविट दे करके यहाँ पर वो काम हो सकता है। एंड आपका दूसरा सिविल हॉस्पिटल में धारचूला में आपको मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद जब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप DM ऑफिस आएंगे धारचूला के, वहाँ आकर के आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करके यहाँ जमा कराना होगा। उसके बाद आपको 1 घंटे में या लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपको जो है इनर लाइन परमिट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आदि कैलाश यात्रा हम करते कैसे हैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे देखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पिथौरागढ़ है और ये गंगोली हाट है और ये ओगला। तो ओगला में हमने किया था जो है कल लंच 5 बजे और यहाँ से एस्कॉर्ट और ये जा रहा है डीडी हाट थल के लिए रास्ता वेरीनाग होते हुए। और यहाँ से जोलजीवी आए थे हम, जोलजीवी से जो है घाटी बगड़ बुलावा कोट छारछम नया बस्ती कालिका गोडी निगाल पानी यहाँ से होती है धारचूला हम पहुँचे हैं। और धारचूला से और ये नेपाल साइड, हाँ ये नेपाल साइड है ना, ये धारचूला पहुंच गए हैं यहाँ पर देखिए जहाँ मेरी उंगली है। और धारचूला से ऊपर अब हम लोगों को तवा घाट पहुंचना है, इधर जाकर के फिर हमने इधर पांगला होते हुए पांगला घाटी होते हुए इधर आ जाएंगे हम। ये पूरा रूट जो है अब यहाँ पर सड़क बना दी गई है दोस्तों और यहाँ से होते हुए बूंदी काली नदी के साथ साथ पूरा रास्ता है ये आप देखिए। और यहाँ से होते हुए इस तरफ नेपाल, हाँ इस तरफ राइट साइड पे नेपाल है, लेफ्ट साइड पे जो है इंडिया है। और गर्भ्यांग पहुँचेंगे नपलच्यूं और यहाँ से गुंजी और गुंजी से लेफ्ट चले जाते हैं तो हम चले जाते हैं कुट्टी जोलिंगकोंग की तरफ और राइट चले जाते हैं तो दोस्तों काला पानी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से नाबिडांग और ये लिपुदर्रा और यहाँ से लिपुदर्रा जो है LOC है तिब्बत और इंडिया की और वहाँ से फिर हम जो है तकलाकोट के लिए चले जाते हैं कैलाश मानसरोवर। तो यहाँ देखिए फिर एक लेफ्ट साइड पे आपको राक्षस ताल नज़र आ रहा होगा, राइट साइड पे आपको मानसरोवर नज़र आ रहा होगा और वो देखिए कैलाश ग्रंथी जो है ऊपर यानी कि कैलाश मानसरोवर आप देख सकते हैं ऊपर दार्चीन, ठीक है। तो अभी हम जो जा रहे हैं दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गुंजी से हो जाएंगे हम लोग लेफ्ट नाभी नेल कलिंफू नेहम्पा होते हुए कुट्टी और कुट्टी से हम चले जाएंगे पांडव पर्वत और इधर होते हुए जोलिंगकोंग, जोलिंगकोंग से होंगे हमें दर्शन आदि कैलाश के जिसको हम छोटा कैलाश भी बोलते हैं कि बहुत बड़ा महत्व रखता है 5 कैलाश के अंदर आदि कैलाश आता है। तो चूड़ाल घाटी इसको बोलते हैं, घाटी को बोलते हैं चूड़ाल घाटी। और एक जो है दोस्तों मैं आपको बात बता दूँ पूरा रास्ता जो है बहुत ज़बरदस्त ट्रेन से है और ये यात्रा जब कैलाश मानसरोवर यात्रा या फिर आदि कैलाश यात्रा की जाती है तो लगभग मतलब समझ लीजिए कैलाश यात्रा के लिए 24 से 25 दिन का समय चाहिए होता था और आदि कैलाश यात्रा के लिए 19 दिन का समय। मैंने खुद की 2016 में कैलाश यात्रा किसी दिन से और 2016 में आदि कैलाश यात्रा तो लगभग 200 किलोमीटर आपको ट्रैक करना होता था, 200 से 210 किलोमीटर।
वो आप यहाँ से क्या करके आप पूरा ट्रैक कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पर कैलाश मानसरोवर रोड पूरा बन चुका है, पूरा तैयार है। और लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि जगह जगह थोड़ा सा दिक्कतें हैं, क्योंकि रोड पूरा कच्चा है, बट रोड की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है आने के लिए कि हम लोग बाइक से आना चाहते हैं। यहाँ से हम लोग कुंजी पहुँचते हैं, यानी कि हमारा जो पड़ाव रहता था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आरचुला से हम लोग जो है सबसे पहले नारायण आश्रम जाते थे, नारायण आश्रम में सारी गाड़ियों का शोर थम जाता था, और वहाँ से जो है सिरखा गाला उंधी और 4444 सीढ़ियाँ तो कोई भूल ही नहीं सकता जिसने कैलाश यात्रा या आदि कैलाश यात्रा की होगी, क्योंकि वो बहुत ही टफेस्ट एक ट्रैक था। 4444 सीढ़ियाँ उतर के हम लोग जो है नीचे की तरफ, वहाँ से काली नदी का प्रचंड रूप हमें दिखाई पड़ता था, और वहाँ से बिल्कुल कटिंग करे हुए पहाड़, बिल्कुल कर्व किए हुए पहाड़ हमें नज़र आते थे, और उन्हीं के बीचों बीच से हम निकल करके जो है पहुँचते थे बुद्धि, और बुद्धि से जो है दोस्तों चिया लेक, जो भी चिया लेक घाटी तो बिल्कुल बहुत ही मनोरम घाटी है, वहाँ पर अनेकों प्रकार के जो है फूल आपको नजर आएंगे, बहुत ही सुंदर जगह है। राइट साइड पे माँ अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा पर्वत है जो कि पूरा हिमादित पर्वत है, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। वहाँ से हम लोग गुंजी पहुँचते थे, तो पूरा ट्रैक करके हम लोग पहुँचते थे, पूरा बहुत ही आनंद आता था, लेकिन थोड़ा देखो जब ट्रैक करते हो हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैक करते हो तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं। तो गुंजी पहुँचने के बाद काला पानी से फिर हम लोग नाविडांग से लिपू ले, हम फिर सकलापुर कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। लेकिन गुंजी से अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो उसके बाद आ जाएगा पुट्टी, और पुट्टी से जॉलिंग पॉम्प से हमें दर्शन होते हैं आदि कैलाश के दोस्तों, छोटा कैलाश भी कहा जाता है। तो दोस्तों आदि कैलाश जो है पांच कैलाश में से एक कैलाश है, और बहुत ही महत्वपूर्ण कैलाश है। कैलाश जो है महादेव को बहुत ही प्रिय है, जैसा कि हम सब जानते हैं कैलाश मानसरोवर तो भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्थान है ही, और पूरे ब्रह्मांड का एक सेंटर बिंदु है, जहाँ की बहुत ही शक्तियाँ हैं, और बाबा भोलेनाथ का निवास स्थान है। लेकिन आदि कैलाश भी प्रतिकीर्ति है कैलाश मानसरोवर की, यानी कि कैलाश की जो प्रतिकीर्ति है, बिल्कुल आप आदि कैलाश का रूप देखेंगे तो वो भी बिल्कुल हिमादित पर्वत है, जैसे कि कैलाश तो पूरा बर्फ़ से सदैव ही ढका रहता है, इसी तरह से कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश दोनों ही बर्फ़ से ढके होते हैं। तो आदि कैलाश भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही पारंपरिक यात्रा है यहाँ के लोगों की, जो कि यहाँ से सब लोग जाते थे, और अब तो काफ़ी प्रचलन हो गया है, काफ़ी लोगों को पता चल गया है, पहले तो कैलाश यात्रा के बारे में भी लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, और अब तो आदि कैलाश यात्रा रोड बन गई है, इससे काफ़ी लोग आना जाना कर भी रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूँ तीसरा कैलाश है श्रीखंड कैलाश, जो कि थोड़ा सा टफ है लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद चौथा कैलाश किन्नौर कैलाश यात्रा है, और पांचवा कैलाश है मणिमहेश कैलाश। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो तीन कैलाश है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, यानी कि श्रीखंड किन्नर कैलाश और जो है एक आपका मणिमहेश कैलाश, तीन कैलाश जो है वहाँ पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। और जो दो कैलाश है वो कैलाश मानसरोवर तिब्बत में पड़ता है, और एक कैलाश जो है आपका ये आदि कैलाश जो है ये पड़ता है उत्तराखंड में। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों, बाकी आगे की जानकारी आपको मेरे ब्लॉग से मिल ही जाएगी।